हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, टेंथ क्वेश्चन देखो जो तुसी प्रॉब्लम पूछी है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वैक्टर्स आर 4 and 3, इहदा मतलब दो मैगनीट्यूड थानू गिवन है जिन्हां दा सानू आंसर गिवन है 4 and 3। मान लो थोड़े को दो वैक्टर है, ए वैक्टर की वैल्यू किन्नी है 4 एंड बी वैक्टर की वैल्यू किन्नी है 3 एंड मैगनीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट, इहदा मतलब ए डॉट बी किन्ना गिवन है 6, डॉट प्रोडक्ट दी मैगनीट्यूड गिवन है 6, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स, असी दोनों वैक्टर्स के विचकार एंगल पता करना। सो बच्चे, सानू फॉर्मूला पता है। सो आ चीज़ा पहले थानू गिवन है, ए वैक्टर गिवन है, बी वैक्टर गिवन है, दैन ए डॉट बी गिवन है 6, दैन असी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू मैगनीट्यूड ऑफ ए वैक्टर मैगनीट्यूड ऑफ बी वैक्टर कॉस थीटा। सो बच्चे, सानू सिर्फ थीटा एंगल चाहिए, सो कॉस इधर पिया रहा, आह दूसरे पासे ले जाओ, जो दूसरे पासे लेके जावे तो पैर दे विच आ जाएगा। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज, वट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू किन्नी है 6, सो असी पुट कर दिती 6, ए वैक्टर की वैल्यू किन्नी है 4, असी पुट कर दिती 4, बी वैक्टर की वैल्यू किन्नी है 3, सो असी पुट कर दिती 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, ठीक है, 2 आ गया उपर, 2 1s are 2, 2 2s are 4, मतलब 1/2 आ गया। ठीक है जी, सो यदा मतलब थीटा का आंसर 1/2 कदों हों कॉस थीटा का आंसर जो 60 degree हो, मतलब साडा आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 degree। सो ये साडे अज के क्वेश्चन का आंसर सी। अगर कोई प्रॉब्लम हो बच्चे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।